नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन लेके कर रहे हैं तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले हैं दोस्तों। इस बार पंजाब में बड़ा उलटफेर हो सकता है, किस तरह से क्या है आंकड़े आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश की मोदी सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका, पीएमओ को छोड़ने वाले तीसरे अधिकारी बने सुब्रमण्यम। जानकारी के मुताबिक सुब्रमण्यम जो है ने पीएमओ को छोड़ दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर अब जो जज सुनवाई कर रहे थे उनको लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया उस मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद धरना पर मौन जो है धारण करने का ऐलान कर दिया है, किस तरह से इसको लेकर के भी ताजा अपडेट इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज अजय मिश्र टेनी यानी कि किसानों पर कार चढ़ाने वाले नेता के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा जिन्होंने कार चढ़ाई है उनको लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी कांड के मामलों पर और पीड़ित परिजनों को लेकर के जिस तरह से मीडिया हाउसेस यानी हमारे देश की गोदी मीडिया लगातार पत्रकारिता कर रही, इस मामले पर सीजीआई एनवी रमणा ने बहुत बड़ा बयान दिया क्या, कुछ खास की भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से चीन ने एलएसी के ऊपर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है पांच ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसमें पंजाब शामिल है, पंजाब की 117 सीटें हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान जारी है और इसी घमासान के बीच इसका एक ताजा सर्वे किया गया है जिसके आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले दोस्तों सामने आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को इस बार 39 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें जीत सकती है, 49 से 55 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, जबकि अकाली दल यहां पर 17 से 25 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, 0 से 1 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य का भी यही हाल है, 0 से 1 सीटें अन्य के भी खाते में जा सकती है। यानी कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, किसी भी तरह से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, 0 सीट ही बीजेपी की आती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पीएमओ यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बहुत बड़ा झटका, एक दिग्गज अधिकारी ने दिया इस्तीफा। आप इस खबर को देख सकते हैं, मोदी सरकार को इस साल तीसरा बड़ा झटका लगा है जब मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा है कि मैंने सीईए भारत सरकार के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अकादमिक क्षेत्र में वापस लौटने का फैसला किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि अब तक किन किन अधिकारियों ने पीएमओ का साथ छोड़ा, जिसमें पहला नाम आप सभी जानते होंगे अमरजीत सिन्हा जिन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरा नाम जो है पीके सिन्हा जिन्होंने दूसरी बार इस्तीफा दिया, उसके बाद तीसरे जो अधिकारी है सुब्रमण्यम है जो कि तीसरी बार पीएमओ से इस्तीफा दे रहे हैं, तो यह मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रही जांच के मामले पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हिंसा हुई और इस हिंसा की जिस तरह से दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी उस पर लगातार दिल्ली पुलिस को जो है यानी दिल्ली के हाई कोर्ट से लताड़ लग रही थी, लेकिन जिस जज ने सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई, दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए, उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं एक और ताजा मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि
जस्टिस यादव ने दिल्ली दंगों को लेकर के पुलिस की जांच को लेकर के सवाल उठाते हुए उसे कई बार फटकार लगा चुके हैं। उन्होंने अधिकतर मामलों में जांच के मापदंड को घटिया बताया था, लेकिन फाइनली उनका भी अब तबादला कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, बसपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में सैकड़ों बसपा के जो है जो कार्यकर्ता है जो नेता है वो शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दलितों की आवाज उठा सकती है, ये कहते हुए सैकड़ों बीएसपी के नेता कार्यकर्ताओं ने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन उत्तर प्रदेश में थाम लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया उसमें पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत बड़ा ऐलान। अब जानकारी मिल रही है कि सिद्धू ने धारण किया है मौन, बैठे हैं धरने पर, इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसमें जितनी भी कैजुअल्टी हुई थी उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद सिद्धू ने मौन धारण कर लिया है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे ने जिस तरह से किसानों के ऊपर कार चढ़ाई और उसका आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहा है। इस मामले पर जब कल वो जो है क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए थे, अब फिर से क्राइम ब्रांच ने उनके दूसरे आवास पर भी नोटिस चिपका दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि अगर आशीष मिश्रा आज भी जो है क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक और ताजा अपडेट सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों लखीमपुर खीरी कांड के मामले पर जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं इस मामले पर देश की सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई एनवी रमना का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं सीजेआई रमना ने कहा है कि मीडिया हाउस के गलत खबरों पर एससी की टिप्पणी कुछ लोग हद पार कर रहे हैं, यह कहते हुए सीजेआई रमना ने मीडिया को लताड़ लगाई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों यहां पर एक बार फिर से चाइना ने हमारे देश की सेना को और हमारे देश की सीमा को पार करने की कोशिश की नापाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, अभी तक जो मोदी सरकार यह कहती हुई नजर आ रही थी कि चीन यानी एलएसी पर ऑल इज वेल है उसकी पोल खोलती हुई एक और खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की है जिससे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने भारतीय राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश की है जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। यह घटना बीते हफ्ते जो है तवांग इलाके की है जहां पर करीब 200 सैनिकों ने यानी चीन के घुसपैठ करने के इरादे से आगे बढ़े थे, लेकिन हमारे देश के जांबाज जो जवान हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। खैर यह तो जवानों की जो है एक ताकत है जो चीन की जो हरकत है उसको अंजाम तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, वरना हमारे देश की सरकार तो यही कहती रही है कि चीन ने अभी तक घुसने की कोशिश ही नहीं की है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।